हस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? हस्व स्वर। हस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 5। कौन कौन से होते हैं हस्व स्वर? ए, ई, ऊ, री एंड री। तो ये 5 कौन से स्वर हैं? हस्व स्वर। अब हम आते हैं दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनको हस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है, मतलब हस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, वो स्वर कौन से स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है ना? तो नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ का क्या मतलब होता है, लंबा होता है ना। दीर्घ मतलब ज़्यादा, बड़ा, लंबा। तो हो गया, जिसमें ज़्यादा समय लगता है वो कौन सा है? दीर्घ स्वर। जिसमें कम समय लगता है वो कौन सा है? हस्व स्वर। हस्व स्वरों की संख्या होती है 5 और दीर्घ स्वरों की होती है 8। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 होते हैं दीर्घ स्वर। तो संस्कृत और हिंदी व्याकरण में हस्व और दीर्घ स्वर इन दोनों का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। ज़्यादा प्रयोग किन दो का होता है? हस्व और दीर्घ। तो संस्कृत और हिंदी में इम्पोर्टेंट स्वर कौन कौन से हैं? हस्व और दीर्घ। लेकिन स्वर को एक और भाग में बांटा गया है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होते हैं इनमें हस्व स्वर की तुलना में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है प्लुत स्वर को। ठीक है? और इन स्वरों का उपयोग जो है वो वेदों में किया जाता है। जो वैदिक संस्कृत होती है उसमें प्लुत स्वर का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली इन दो स्वरों का उपयोग होता है, प्लुत स्वर जो है वो स्वर का ही एक भाग है, लेकिन इन स्वरों का उपयोग किस में होता है? वैदिक संस्कृत में, वेदों में किया जाता है। और प्लुत स्वर जो है